हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सभी का मेरे फिर से एक बार न्यू व्लॉग में। और आज है संडे, तो आज है इतवार, तो आज फिर मैं जा रही हूँ गुरुद्वारे स्नान करने, मतलब बाबे जी की जगह पे करतारपुर। जैसे कि पहले की वीडियो में भी आपने एक बार देखा था कि मैं करतारपुर स्नान कराने गई थी, तो यहाँ पे मेरी बहन आती है तो वही स्नान करने जाती हैं अपनी ननद की बेटी को लेके। और वहाँ का मैंने आप लोगों को बताया था, कोई भी शरीर में रोग होता है तो वो दूर हो जाता है। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये है बाबा लालुआ की जगह है, तो मतलब यही है बाबा जी। तो यहाँ पे स्नान करने से सारे रोग शरीर के दूर हो जाते हैं, जो ऐसे कि हाथ में कोई दाग हो या कुछ भी हो, दाग वगैरह हट जाता, मतलब बॉडी पे कोई भी दाग हो या जख्म हो जो भरता नहीं है वो भी ठीक हो जाता है। और कई बार होता है कि शारीरिक रोग भी होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, तो बहुत ही मान्यता है यहाँ की। और पहले भी मैं कई बार आ चुकी यहाँ पर स्नान कराने के लिए, तो बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पे आदमियों का और औरतों का अलग अलग स्थान है नहाने का, तो देख सकते हो यहाँ पे। और ये औरतें जो है ना यहाँ पे खड़ी होती है, 10-15 औरतें होते हैं, तो ये ना ज़बरदस्ती करती हैं, मांगती हैं पैसा। तो ये ज़बरदस्ती मांगती हैं, चाहे किसी के पास हो या ना हो, लेकिन उससे मांगना शुरू कर देती है, तो आप लोग इनसे बच के रहिएगा। हाँ, अगर आपकी श्रद्धा है देने की तो दे दीजिए, नहीं तो नहीं। लेकिन एक को दो तो ये यहाँ पे जितनी भी 10-15 लेडीज़ है सबके सब मांगना शुरू हो जाती हैं, ये नहीं कि सिर्फ एक को देख के फुर्सत मिल जाए तो सभी को मांगना शुरू कर दे। तो इनसे थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि जैसे देखते हैं ना लोग, अगर मासूम है तो उनसे वो पैसे ऐंठना शुरू कर देते हैं। तो देख सकते हो ये है बाबे की जगह, तो छोटा सा ये, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे चप्पलें उतार देंगे अपनी, तो उसके बाद जाएंगे यहाँ पे, पहले स्नान कराएंगे, फिर उसके बाद मत्था टेकेंगे। और यहाँ पे झाड़ू, नमक और तेल और प्रसाद चढ़ाया जाता है, मतलब पहले स्नान में और आखिरी स्नान में। तो चाहे आप 3 स्नान कर लीजिए या फिर 5 स्नान कर लीजिए, तो जो भी रोग हैं और जो भी आपकी परेशानी है वो ख़त्म हो जाती है। बाबा जी की इतनी मेहर है यहाँ पर, तो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। और बहुत ही पहले से यहाँ पे, बहुत पुराने से लोग चले आ रहे हैं यहाँ पे स्नान करते हैं, और बहुत ही भीड़ भी होती है। आप लोगों को चलिए आगे चल के दिखाते हैं, तो काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं अपनी परेशानियाँ लेके। तो ये देख सकते हो यहाँ पे नमक, झाड़ू, और ज़्यादा दुकान यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं है, ना ही कोई बड़ा मंदिर है, ना ही बाबे की जगह कोई बड़ी है, छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा। तो देख सकते हो यहाँ पर झाड़ू, नमक, तेल मिलता है 100 रुपये में, पहले 80 का था, फिर 90 का, अब 100 रुपये का मिलता है, 100-110 का वैसे कुछ मिलता है। तो देख सकते हो यहाँ पे कुंड बना हुआ, तो ये साफ पानी का एक कुंड है और एक तालाब सा बना हुआ है जो सरोवर बोलते हैं, तो सरोवर यहाँ पे बना है। तो मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पाई, क्योंकि स्नान कर रहे हैं लोग, तो ऐसा ना हो कुछ लोग बोले, तो इसलिए मैं ज़्यादा दिखा नहीं पा रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे कुंड, जहाँ पे घास उगी है ना, तो यही कुछ सरोवर है और ये साफ पानी का सरोवर है। तो यहाँ पे भी स्नान करना, तो दोनों जगह स्नान कर लो। और यहाँ का पानी इतना गंदा होता है और बहुत ही ज़्यादा स्मेल करता है, लेकिन अपने मन में ये नहीं लाना है कि पानी बहुत गंदा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्नान करके उसके बाद हम लोग निकल पड़े हैं गुरुद्वारे के लिए। तो सामने ही गुरुद्वारा है काफ़ी बड़ा करतारपुर का, तो यहाँ पे हम लोग मत्था टेकेंगे गुरुद्वारे में, उसके बाद फिर जाएंगे घर। तो देख सकते हो आप लोग एक एक के पीछे पड़ जाती हैं औरतें मांगने में, तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो ऐसे ही करते हैं, हर बारी का इनका यही काम होता है। और यहाँ पे मतलब जो कपड़े छोड़ के जाना होता है, जो स्नान करता है, जिसको हम स्नान कराते हैं, तो वो अपना जो पहन के कपड़ा स्नान करता है वो यहीं पे छोड़ के जाना है, उसको वापस से घर नहीं लेके जाना, यहीं पे छोड़ देना है। ऐसे मतलब जितनी बार भी नहाओगे आप, वहाँ पर कपड़े अपने छोड़ देना है, जो भी पहन के नहाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस इतना ही करना है आपको, नमक, झाड़ू और तेल चढ़ाना होता है, प्रसाद चढ़ाना होता है, एक दो बार, मतलब एक फर्स्ट टाइम और आखिरी टाइम, 5वें स्नान पर, 3रे स्नान पर, ठीक है। तो चढ़ाने के बाद और जितनी बार आप नहाओगे उतनी बार अपना कपड़ा छोड़ देना है। तो हम जा रहे हैं पैदल ही गुरुद्वारे, तो यहीं से पास में पड़ता है गुरुद्वारा, तो देखिए ये है गुरुद्वारा। तो वो स्नान करने की जगह अलग है, बाबे की जगह, और ये गुरुद्वारा अलग है। तो जो भी वहाँ पे आता है वैसे गुरुद्वारे में भी मत्था टेक के ही जाता है, तो हम लोग जब भी आते हैं गुरुद्वारे में भी मत्था टेक लेते हैं। उसके बाद हम लोग कर दिया है वापस बस से, और जलंधर से बस तक सिर्फ 25 रुपये का किराया पड़ता है, ज़्यादा किराया भी नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक, कल फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ कुछ नया लेके।